नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया आज महीनों बाद अपने घर लौट रहे हैं। बता दें कि कोर्ट ने उन्हें अपनी पत्नी से मुलाकात करने के लिए आज 6 घंटे का समय दिया है। मुलाकात के दौरान वे पुलिस हिरासत में ही रहेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज MK नागपाल ने सिसोदिया को पुलिस हिरासत में शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच अपने घर पर बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी है। उन्होंने अपनी बीमार पत्नी से 5 दिन के लिए मिलने की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने पूर्व में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 22 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया था। CBI और ED दोनों ने सिसोदिया के इस आवेदन का विरोध किया। उन्होंने कहा, आरोपी किन कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमति मांग रहा है? आरोपी की ओर से अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की जानी चाहिए थी। इससे पहले जून में भी पत्नी की गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर आपको बता दें कि उन्हें LNJP में भर्ती किया गया था। तब सिसोदिया ने पत्नी से मुलाकात करने की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद वे अपनी पत्नी से मुलाकात करने के लिए LNJP हॉस्पिटल गए थे, जिसके बाद फिर से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के समर्थक काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि महीनों के बाद मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आ रहे हैं। हालांकि वे कुछ समय के लिए ही बाहर आ रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया कोर्ट के इस फैसले से काफी ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।